सो हे गाइज, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ मनोज, होप यू गाइज आर फाइन। तो लास्ट वीडियो पर मेरे एक कमेंट आया हुआ है साहू जी का। तो उन्होंने बोला हुआ है कि जब भी वो अपनी वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करती है, मतलब ऑफ होके ऑन होती है। तो उन्होंने पूछा हुआ कि ये किस वजह से है और इसका क्या रीज़न है। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। हम भी कभी साइट पर जाते हैं तो कई कई जगह पर ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है, क्या इसका सॉल्यूशन है, तो आज का वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, मैं अभी यहाँ पर मेरा फ़ैन का स्विच है, तो मैं जैसे ही फ़ैन का स्विच ऑन करूँगा तो जो मेरे कैमरे हैं वहाँ पर वो ऑफ होके एक बार ऑन होंगे। देखिए, अगर मैं ये स्विच ऑन करता हूँ और मैं अभी ऑफ़ करूँगा तो ये देखिए स्क्रीन ऑफ होने के बाद फिर ऑन होती है। अगर मैं लाइट का स्विच ऑन करता हूँ तो ये देखिए लाइट के स्विच पर भी ये सेम रिएक्शन है, ऑफ़ करूँगा तो नहीं होगी। तो एक बार होती है, तो आप ऑन करोगे उस टाइम पे आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, या फिर आप जब ऑफ़ करोगे कोई भी अप्लाइंसेस उस टाइम पे आपकी स्क्रीन ऑफ होके ऑन होगी। तो ये देखिए, मैं दोबारा से अभी फ़ैन चलाता हूँ। देखिए फ़ैन आराम आराम से चल रहा है, बंद है अभी फ़िलहाल फ़ैन। तो मैं जैसे ही ये देखिए यहाँ से मैं स्विच ऑन करूँगा और उस टाइम पे आप देखना, मैं फ़ैन को भी ले लेता हूँ एक बार स्क्रीन के अंदर। तो ये देखिए हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है, स्क्रीन ऑफ होके ऑन हो गया। अभी मैं वापस से ऑफ़ करूँगा तो ये देखिए। सो गाइस देखा आपने, यही प्रॉब्लम है और आपकी स्क्रीन फ्लिकर करती है, ऑफ होके ऑन होती है। तो ये किस वजह से है, देखिए सबसे पहले अगर हम रीज़न की बात करें तो इसका मेन रीज़न है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। देखिए जब भी आप कोई भी अपना इक्विपमेंट ऑन करते हैं तो उस टाइम पे वोल्टेज में वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें, क्योंकि सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता किसी भी केस में, तो दूसरा रीज़न है जो आपकी डिस्प्ले को इनपुट आ रही है जहाँ से, मतलब अगर हमारे केस में देखें तो DVR से आउटपुट निकल रही है जो कि हमारी स्क्रीन के लिए इनपुट का काम कर रही है। तो वो बीच का मीडियम क्या है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो हमारे केस में देखिए जो बीच का मीडियम है वो है VGA केबल। तो या आपकी VGA केबल में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी HDMI केबल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको एज इट इज़ हम प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी ये केबल होती है ये नॉर्मल केबल्स होती है, सस्ती केबल्स होती है। तो अगर आपने इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है पूरी तरह से, तो आपको ऐसी केबल लेनी पड़ेगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना हो, जो शील्डेड हो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से। तो इसी टाइप की आपको केबल परचेज़ करनी चाहिए, कोई ज़्यादा महंगी केबल नहीं आती है ये। अगर आप इस तरह की केबल परचेज़ करेंगे तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी VGA केबल को चेंज करूँगा और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। सो गाइज ये देखिए, अभी हम आ चुके हैं ऊपर। तो ये मैंने अलमीरा के ऊपर सारा सॉल्यूशन रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा DVR है, ये हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन हालांकि वैसे नीचे रहती है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम देखें, देखिए अभी हमारी जो केबल लगी हुई है वो ये देखिए इस टाइप की केबल लगी हुई है। तो इसमें फ़िलहाल प्रॉब्लम है। तो मोस्ट ऑफ़ दी केसेस में क्या होता है, केबल में ही प्रॉब्लम होती है आपकी, VGA या फिर जो HDMI केबल है वही आपको चेक करनी होती है। तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और देखिए मेरे पास ये इस तरह की एक और केबल है, ये देखिए। तो ये वाली केबल है, तो इस केबल में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी केबल चलती है ये। तो इसको मैं अभी चेंज करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हमें मिलती है या फिर हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है या नहीं होता। तो गाइस ये देखिए, मैंने अपनी VGA केबल को कर दिया है चेंज। तो ये देखिए यहाँ पर अटैच कर दिया इसको, हालांकि मैंने प्रॉपरली टाइट नहीं किया है इसको, नॉर्मली अटैच किया है। तो इससे पहले हमारी ये वाली केबल यहाँ पर लगी हुई थी जिसमें प्रॉब्लम थी। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं हमारी जो स्क्रीन है वो ऑन हुई या नहीं हुई। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, स्विच बोर्ड की तरफ, और इसको देखते हैं कि कैसे हमने ऑन करना है और जो हमारी स्क्रीन है वो फ्लिकर करती है या नहीं इन केस। तो ये देखिए वापस से हम अपने बोर्ड की तरफ आ गए हैं। तो अभी मैं फ़ैन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए मैंने फ़ैन को ऑन करा किया है, तो फ़िलहाल तो कोई फ्लिकर नहीं हुई है हमारी स्क्रीन। तो अभी हम ऑफ़ करेंगे। तो ये देखिए अभी मैंने ऑफ़ कर दिया, अभी भी कोई भी फ्लिकरेशन नहीं हुई है। तो अभी हम लाइट को ऑन करते हैं। तो ये देखिए लाइट को ऑन करने पर भी कोई फ्लिकर नहीं की स्क्रीन, बिल्कुल एज इट इज़ है। तो ऑफ़ करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो गाइस देखा आपने कितनी इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमने सिर्फ अपनी VGA केबल को चेंज किया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में VGA या फिर HDMI केबल में ही प्रॉब्लम होती है, उसी के कारण ये प्रॉब्लम आती है या फिर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है। तो मेक श्योर कीजिए आप जब भी कोई केबल परचेज करें HDMI या फिर VGA तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस प्रोटेक्टेड ही करें और प्रॉपर 4K हो, तभी आपको ऐसे ही प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर आप हल्की क्वालिटी की केबल यूज़ करोगे तभी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन सी केबल यूज़ करता हूँ तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। केबल बढ़िया है, 4K क्वालिटी की है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।